look out. Ascendant wave. तो आदित्य सर सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए. Tell us something about you. मेरा नाम आकाशादित्य लामा है. मैं पेशे से फिल्मकार हूँ, नाट्यकार हूँ, टीवी शोज लिखता हूँ. कुसुम कुमकुम सारा प्यार के दो नाम एक राधा एक श्याम झिलमिल से तारा का आंगन होगा इस तरह के कई सीरियल लिखे हैं. लाहौर जिसको दो नेशनल अवार्ड मिले उसके एडिशनल डायलॉग लिखे हैं. और उससे पहले मैं गदर में असिस्टेंट डायरेक्टर था. मैंने कई नाटक लिखे हैं, प्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से एक मोहनजोदारो है, जिस मोहनजोदारो में से कई टीवी के नॉन स्टार निकले हैं, जैसे जोधा अकबर की जोधा, उन्होंने शुरुआत हमारे नाटक से की थी इस मोहनजोदारो से. उसके बाद साथिया साथ निभाना की जो गोपी बहू है देवोलीना भट्टाचार्य, उन्होंने शुरुआत की थी इस नाटक से मोहनजोदारो से. उसके बाद अफसर बेटिया मिताली नाग, उन्होंने शुरू की थी इस नाटक से अपना करियर का यू कह सकते हैं. उसके अलावा अमन वर्मा, अशोक बंटिया, रौनक आहूजा, बिनी शर्मा, इन सब ने कभी इस नाटक में उन्होंने काम किया. नागेश सालवन, उन्होंने काम किया. लाहौर फिल्म के जो हीरो है अनाहत सिंह, उन्होंने इस नाटक मोहनजोदारो में काम किया हुआ है. तो इस तरह से है. ओके, तो आशुतोष गोवारिकर के साथ ऐसा क्या कोई अनबन किस्सा हो चुका था जो आप केस उनके पर केस कर दिया? आपने रिसेंटली उसका कुछ पहली हियरिंग भी हुई हमने सुना. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली ऑल द इशू वाज. देखिए मैं आपको बताऊं, 1995 में मैं ग्वालियर में एनएसडी का वर्कशॉप कर रहा था. उस समय जब नाटक वाटक हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय मेरे नाटक में शुरुआत हुई एक तरह से आप कह सकते हैं. जब ये सब मैं कर रहा था तब मुझे इस मोहनजोदारो नाटक, मतलब मुझे लगा मैं कुछ डिफरेंट करूं, तो मुझे लगा कि ये मोहनजोदारो किया जाए, क्योंकि मोहनजोदारो के बारे में कोई लिखित कोई इतिहास नहीं है. खुदाई में जो कुछ मूर्तियाँ निकली हैं वही है, जैसे एक दाढ़ी वाले प्रिस्ट किंग, एक डांसिंग गर्ल, इस तरह की कुछ मूर्तियाँ निकली है. उसके अतिरिक्त जो है उसका कोई रिटन इतिहास नहीं है मोहनजोदारो का. तो मैंने कहा इस पर मैं काम करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं लिखने के लिए क्या करता, मेरे पास तो कोई कहानी नहीं थी. तो फिर मैंने अपने माता पिता की जो लव स्टोरी है और मेरे जो टीनेज की जो भी इमोशंस रहे हैं उन सबको मैंने इकट्ठा करके एक ये नाटक बनाया मोहनजोदारो. और जब मैंने लिखा ये 95, 96, 97 में, इस पर रिसर्च किया मैंने, इसके पीरियड बैकग्राउंड रखा, बाकी जो इमोशंस जो कैरेक्टर जो कहानियाँ थी अपने जो वो हमारे मेरे कुछ मेरे थे कुछ मेरे पेरेंट्स के थे उसको मैंने जोड़ के बनाया. उसके बाद 95 के बाद जो है मैं 97, 98 में मुंबई आ गया. मुंबई आने के बाद फिर मैं छोटे मोटे काम करने के बाद एड फिल्म में असिस्ट किया, घर करने के बाद मैंने गदर में अनिल शर्मा जी को असिस्ट किया. उसी दौरान जो है जब गदर रिलीज हुई, गदर और लगान अगर आपको याद हो दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी, तो उसी समय जो है मेरी जान पहचान लगान के जो एडिटर है बल्लू सलूजा, जिन्होंने उनकी बहुत सारी फिल्में एडिट की है, आशुतोष गोवारिकर की, लगान, स्वदेश, जोधा अकबर, व्हाट्स योर राशि, तो उनसे मेरी जो है उनसे मेरी जान पहचान हुई बल्लू सलूजा से. मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ये कहानी है आप सुनिए जरा. तो उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा अब इस बोले कि क्या लगता है आपको इसको कौन डायरेक्टर होना चाहिए. तब मैं सिर्फ राइटर था, तो मैंने कहा कि आशुतोष गोवारिकर, उन्होंने भी लगान बनाई. बोले ठीक है मैं बात करता हूँ. उन्होंने उनसे बात की, जो भी हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि आशुतोष गोवारिकर ये स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं. तो मैंने बल्लू को वो स्क्रिप्ट दी. आशुतोष गोवारिकर ने उस स्क्रिप्ट को लिया, उन्होंने 4 दिन रखा स्क्रिप्ट को, 4 दिन के बाद उन्होंने वापस कर दिया बल्लू को. मैंने बल्लू से पूछा कि क्या बात हुई. उन्होंने कहा कि भाई आशुतोष गोवारिकर अभी कोई ऐतिहासिक विषय पर फिल्म नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्होंने अभी भी लगान बनाई. मैंने कहा ठीक है. बात ये आई गई हो गई. उसके बाद जो है मैंने उस स्क्रिप्ट को जो है कॉपीराइट करवाया. कॉपीराइट करवाने के बाद मैंने उसके इस बीच में मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर से राइटर बन गया. टीवी के बहुत सारे शोज लिखे, कुछ 2500-3000 अलग अलग साजबू वाले सीरियल लिखे, जैसे मैंने बताया लाहौर का एडिशनल डायलॉग लिखे, कुछ और फिल्में लिखी नाट. फिर मैंने अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया, जो मेरा थिएटर पहला प्यार था, थिएटर ग्रुप शुरू किया. और 2010 के आसपास मुझे जब पता चला कि ये आशुतोष गोवारिकर इस पर फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने उनको एक मेल भेजा. मैंने बोला कि शायद अब उनको याद ना हो, इतने समय हो गया, तो मैंने उनको एक मेल भेजा कि गोवारिकर जी मैंने आपको ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया था है ना बल्लू के थ्रू, और आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आपने कहा था कि इस समय मैं कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपने वो स्क्रिप्ट वापस कर दी थी, और मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको फिल्म के रिलीज, अगर आप बना रहे हैं तो फिल्म के रिलीज के समय ब्लैकमेल करूं, या मैं आपको उस समय चीप पब्लिसिटी के लिए करूं, तो इसलिए मैं ना अभी आपको कर रहा हूं, आपने अभी तक फिल्म अनाउंस भी नहीं किया, तो अभी इसीलिए मैंने उसमें कि अभी तक आपने फिल्म अनाउंस भी नहीं किया, मैं आपको ये स्क्रिप्ट दे रहा हूं, वाले आपको मैंने स्क्रिप्ट दिया था, तो इसलिए आपको मेल भेज रहा हूं. उसका उनका कोई जवाब नहीं आया, और गोवारिकर जी का कोई जवाब नहीं आया. जब नहीं आया तो फिर मैं मेरे प्ले इस बीच में मैंने इन्फिनिटी वेंचर करके जो कंपनी है उनके साथ मैंने ये प्ले शुरू किया.
ये प्ले शुरू किया और हमारा ये टर्म कंडीशन रहा कि ये प्ले जो है, जब प्ले अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम इसके आगे फिल्म बनाएंगे इसका। हमने एक काम किया और प्ले बहुत सक्सेसफुल हुआ। आप जुहू चौपाटी में इसके होर्डिंग्स लगे, मैंड्रा में होर्डिंग्स लगे, बोरीवली में होर्डिंग्स लगे, न्यूज़पेपर में ऐड था हर जगह इसके। इंडिया के जितने भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं आपका, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, बॉम्बे टाइम्स हो, मुंबई मिरर हो, आपका साउथ में द हिंदू हो, कलकत्ता में टेलीग्राफ हो, अपना चंडीगढ़ में चंडीगढ़ ट्रिब्यून हो, सब ने इस प्ले की तारीफ की है। सब आप जाइए गूगल में, आप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हिंदी प्ले मोहनजोदड़ो डाली, आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। ये मेरा 2010 से रेगुलर शोज हो रहे थे। फिर 2014 में, इस बीच में मैंने बताया जैसे कि परिधि शर्मा जो था, उसके बाद मिताली नाग, देवोलीना भट्टाचार्य, ये सब जो है इसमें से निकले सब। इस बीच में जब मुझे 2014 में जब मुझे पता चला कि ऋतिक रोशन के साथ फिल्म बना रहे, मैंने उनको मेल भेजा। उस मेल, वही मेल जो मैंने उनको 2010 में भेजा था, उनको रिमाइंड करने के लिए। 2001 में भेजा था? नहीं, 2010 में मैंने उनको मेल भेजा था। स्क्रिप्ट तो 2002 में पढ़ने, 2-3 में पढ़ने दिया था। 2010 में जो मैंने उनको मेल भेजा था, वो मेल की कॉपी सब मेरे पास मौजूद है आज भी, है ना। वो मेल जो मैंने उनको भेजा था, उस मेल का, उस मेल का जो है, उन्होंने उस मेल का जवाब जो है अपना 2014 में जब उन्होंने फिल्म शुरू की ये ऋतिक रोशन के साथ, तब फिर मैंने वापस भेजा उनके ऑफिशियल आईडी पे, जिसको कम से कम एक बार बोल सकते कि पर्सनल पे नहीं मिला तो ऑफिशियल तो मिलना चाहिए ना। मैंने वापस उनको भेजा जो कि उनके वेबसाइट पे था, है ना, उस पे मैंने भेजा कि वही मेल को, और मैंने बताया दिस इज रिसेंट ऑफ 2010 का वो मेल, उसके करके मैंने वापस वही मेल भेजा, कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मजबूरन मैंने उनको लॉयर का नोटिस भेजा, जब लॉयर का नोटिस भेजा तब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट ली थी। okay. 2003 में उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट ली थी, उनके उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को ऑन रिकॉर्ड, लेकिन उन्होंने कहा मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने जब वो पढ़ा ही नहीं तो स्क्रिप्ट लिया क्यों था, और आपने जो है वो स्क्रिप्ट को, आपने 2003 में आपने वो स्क्रिप्ट लिया, आपको 2015 में ये बात याद है और आपको वो स्क्रिप्ट में क्या लिखा था ये याद नहीं है? कभी ऐसा हो सकता है? मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहूँगा, कभी ऐसा हो सकता है कि आपने 13 साल पहले कोई चीज़ आप ऐसे आपके आंखों के सामने गई हो और अगर उसने आपको अट्रैक्ट नहीं किया और आप उसको 13 साल के बाद में अच्छे से याद रखें, हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये किससे के बाद आशुतोष गोवारिकर ने आपसे कांटेक्ट करने की कुछ कोशिश या कुछ, क्योंकि जब आपने उनको कहा दिस इज माय स्क्रिप्ट, या उनसे ऑफिशियली कोई मीट या ऐसा कुछ भी नहीं? देखिए वो सही बताऊं, वो पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं बाकी इसमें नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे कई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू उन्होंने कहा कि भैया केस वापस ले लो, कुछ होगा नहीं है, क्यों तुम्हारा केस जीत नहीं पाओगे, हमारे पास बड़े लॉयर्स हैं सब हैं, यही बातें हुई हैं। और मेरा केस करके एक और कारण है, जो जोधा अकबर जो फिल्म है, जोधा अकबर का जो क्लाइमेक्स है वो मेरे प्ले का क्लाइमेक्स है। 2003 में जी मेरी दी हुई स्क्रिप्ट का उन्होंने क्लाइमेक्स, प्ले का क्लाइमेक्स जोधा मोहनजोदड़ो का क्लाइमेक्स उठा के उन्होंने जोधा अकबर में लगाया, क्योंकि मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अकबर के दो बायोग्राफीज हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा, दोनों में अकबर बादशाह कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई जिक्र नहीं है 1-to-1 लड़ाई लड़े हैं। और जो शरीफुद्दीन बताया वो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो बहुत छोटा मोटा कैरेक्टर था, अकबर की सौतेली बहन का दूसरे पति, है ना, उसका कोई उसका खाली जिक्र ही नहीं है। एक दो जगह कहीं से जिक्र आता है, शायद उसको हाथी के पैरों के तले कुचलवा के मार दिया गया था। उन्होंने जो है मेरे प्ले का क्लाइमेक्स उठा के इतना बड़ा माउंट किया उसको कि दिखाया कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, जितने भी इतिहासकार हैं जो अगर देख रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछता हूँ, अगर ये अगर वो सच है अकबर वाकई 1-to-1 लड़े थे, तो उसके बाद उन्होंने बाकी लड़ाइयाँ क्यों लड़ी, किसी के साथ भी हो, राणा प्रताप के साथ हो, रानी दुर्गावती के साथ हो, किसी के साथ भी जब वो लड़ना होता तो वो बोलते कि आइए हम दोनों 1-to-1 लड़ देते। मेरे प्ले का 1-to-1 लड़ने का पर्पस था, क्योंकि मेरा जो है मेरा वो आप फिल्म प्ले देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या पर्पस था उसमें। एक हीरो मर जाता है उसमें, है ना, क्योंकि वो आखिरी लड़ाई होती, लाइफ की आखिरी लड़ाई है, अकबर के साथ तो ऐसा नहीं था। आपके प्ले की अगर बात करें तो आपने कहा कि 2008-2010 के वक्त आपने शुरुआत की दिस थिएटर वर्क, राइट? हाँ, मतलब 2010 से मैंने ये शुरू किया, 2011 से लगातार इसके शोज हो रहे हैं। ओके, ठीक। तो लेकिन आपने तो स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी हुई थी, व्हाई वाज इतना ब्रेक? यू वर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स, बट लेकिन तभी आपको स्क्रिप्ट की अगर बात कीजिए, यू डिडंट थॉट कि कोई मतलब एक स्ट्रांग स्क्रिप्ट थी जैसे आपने? नहीं, मैं आपको बताऊँ, स्ट्रांग स्क्रिप्ट है, लेकिन आपको जो लोग फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं करीब से,
यहाँ पे जो है हम लोग आधी जिंदगी तो 10-15 साल तो स्ट्रगल करने में बीत जाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास मुझे लगता है कि शायद अगर ये फिल्म, अगर ये मोहनजोदड़ो अगर वो अभी 5 साल पहले बना रहे होते तो मेरे पास पैसे भी नहीं होता केस लड़ने का, जो सही बता रहा हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं होते। आज मैं इतने साल तो मुझे तो 15 साल तो इस पोजिशन में लग गए इंडस्ट्री में रहते हैं कि 15 साल के बाद मैं सोच सकूँ कि किसी से लड़ूँ, ठीक है। दूसरी बात है कि इस प्ले का ये बहुत बड़ा प्ले है, अगर आप देखेंगे ये बहुत ग्रैंडियर का प्ले है, मैं अकेला इतना पैसा नहीं डाल सकता, उसके उस मेकिंग में ही 12-15 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो मुझे कुछ चाहिए था, तो मुझे राइट पार्टनर मिले इन्फिनिटी वेंचर्स, उन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, उनके साथ फिर मैंने आगे डील साइन किया प्ले के सक्सेस के बाद कि हम इस पर फिल्म बनाएंगे, तो वो हमारा काम फिल्म का भी शुरू हो गया। लेकिन जैसे इनका ये आया तो हमारे सारे लोग बैकआउट कर गए। तो अभी आगे क्या प्लान है, जैसे कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग हुई है हमने सुना, सो उनका क्या? देखिए कोर्ट में सबसे फर्स्ट हियरिंग में उनसे हमने कहा कि आप हमारी स्क्रिप्ट ले लीजिए, आप अपनी स्क्रिप्ट हमें दे दीजिए, हम पढ़ लेते हैं, अगर हमारी हम दोनों की अगर आपकी स्क्रिप्ट और मेरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है तो मैं केस वापस ले लूंगा। उनके लॉयर ने कहा हम अपनी स्क्रिप्ट नहीं देंगे, हमने क्लियरली कहा है, हमारे लॉयर ने कोर्ट में जज के सामने कहा है कि हम अपनी स्क्रिप्ट दे रहे हैं आपको, आप ये स्क्रिप्ट लीजिए और आप अपनी स्क्रिप्ट दीजिए, अगर सिमिलैरिटीज होंगी तो ठीक है, नहीं अगर सिमिलैरिटीज होंगी तो मेरा क्लाइंट केस वापस ले लेगा। उन्होंने कहा हम स्क्रिप्ट नहीं देंगे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ताल में कुछ काला है, तो क्यों नहीं, अगर ऊपर से स्क्रिप्ट नहीं देंगे, अरे हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं हमें जानते हैं, कोई बिना बताया तो आप फिल्म नहीं बना सकते ना स्क्रिप्ट। मैं अपनी स्क्रिप्ट 50 लोगों को बताया मैंने, भाई ये है वो, उन्होंने फिल्म बनाई, उन्होंने ऋतिक रोशन के अलावा भी किसी एक्टर को अप्रोच किया होगा, उनको भी स्क्रिप्ट सुनाई होगी, उन्होंने अपना क्या था, अगर जो उनके वर्ल्ड डिज्नी है या यूटीवी, आज तक मुझे पता नहीं चला कि उनके एक्चुअल प्रोड्यूसर कौन है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं अभी तक कोर्ट में, तो उनमें से उनको सुनाई होगी, उनके बाकी एक्टर्स को सुनाई होगी, तो उनको मुझे वो स्क्रिप्ट देने में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो कोर्ट के सामने NDA साइन करके लेने के लिए तैयार हूँ कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन नहीं दे रहे। तो फाइनली आशुतोष गोवारिकर के साथ ये जो इश्यूज हो रहा है, तो हाउ वी वांट टू ब्रिंग इट टू एन एंड, और व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? देखिए मैं तो हमने तो कोर्ट से यही मांगा है कि इसकी शूटिंग इमीडिएट रोक दी जाए, शूटिंग रोक दी जाए, पोस्ट प्रोडक्शन रोक दी जाए और रिलीज रोक दी जाए, क्योंकि जो हमारा हमारी स्क्रिप्ट है वो क्यों बनाए इस पर, हमारी स्क्रिप्ट हम फिल्म बनाएंगे। तो मिस्टर गोवारिकर से क्या चाहते हैं आप, यू वांट सम क्रेडिट फॉर द फिल्म, अगर कुछ ऐसे होता है तो व्हाट एग्जैक्टली? नहीं मैं मिस्टर गोवारिकर से क्या चाहूंगा, मतलब मिस्टर गोवारिकर तो बड़े आदमी है, वो तो सामने भी नहीं आते, वो बाद में निकलते, मेल का जवाब नहीं देते, ऑफिस जवाब मिलते नहीं है, तो मैं उनसे क्या चाह सकता हूँ, अब तो जो मुझे मिलेगा कोर्ट से मिलेगा, वो कुछ नहीं, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो क्रेडिट चाहते हैं आप जी स्टोरी अपनी? क्रेडिट तो मेरी है ही ना, आप देखिए ये जो मेरा प्ले है ये कोई भी गूगल करके देख सकता है इस प्ले के बारे में, ऐसे गूगल में जाइए हिंदी प्ले मोहनजोदड़ो टाइप कीजिए, आप देखिए कितने इन्फॉर्मेशन निकलते हैं इसके, है ना। ये जो मेरा प्ले है अगर आप देखें, ये मेरा बर्थडे पे ये मेरे थिएटर ग्रुप के लोगों ने मुझे ये गिफ्ट किया, टीम मोहनजोदड़ो, ये आज का नहीं है, ये सुधाकर बोकारे जी जो है ये उनका साइन है, हाँ वो आप नहीं रहे 2013 में जो साजन इन सब फिल्मों के जो प्रोड्यूसर थे सुधाकर बोकारे, उन्होंने उनके सामने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था 2012 में, तब 12 या 13 में तब ये मुझे गिफ्ट दिया गया था मेरे टीम वाले थे, टीम मोहनजोदड़ो अगर आप दिखा सकें तो, ये टीम मोहनजोदड़ो मेरे थिएटर के जो एक्टर्स हैं सब उन्होंने मुझे दिया, जैसे मिताली जो अफसर बिटिया है उन्होंने दिया, ठीक है उस तरह से और भी बाकी सारे एक्टर्स उन्होंने सब साइन किया इस पर, है ना। तो ये बहुत बड़े टीवी के राइटर हैं दिलीप झा, जो वो बड़े अच्छे लगते हैं लिखते थे, है ना, तो इस तरह से। उसके बाद ये ये पायलट है एक लड़की हमारे ग्रुप से, उन्होंने दिया। इसमें सलमान खान के जो ट्रेनर है वो पहले हमारे ग्रुप में थे कैलाश, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने साइन ये किया, तो इस तरह से तो सबके सामने है ना, मतलब शायद भारत की पूरी जनता नहीं जाती है, थैंक्स टू मीडिया की, मीडिया की वजह से लोगों को भी पता चल रहा है, बाकी इंडस्ट्री में जो लोग जानते हैं बहुत पहले से जानते हैं, अगर आप फेसबुक वगैरह पर जाके देखिए लोगों का सपोर्ट है मुझे, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सबको पता है एक्चुअली फैक्ट क्या, रियलिटी क्या है। तो फाइनली जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको इन शॉर्ट अगर क्या बोलना चाहेंगे, इन योर ओन लिटिल वर्ड्स अबाउट दिस एंटायर इशू? सब व्यूअर्स सर मैं एक ही कहूँगा कि मैं जो है ना छोटे शहर से आया हुआ एक मामूली इंसान हूँ, स्ट्रगल कर किया हूँ, 18 साल हो गए, बाल सफ़ेद होने लगे हैं यहाँ तक आते आते, और ये ना पूरी लाइफ में ना मिलके 20 साल की मेरी तपस्या है एक तरह से, उससे अगर कोई छीन ले तो दुख होता है, गोवारिकर साहब से अगर कोई लगान की क्रेडिट छीन ले तो उनको उनके पास कुछ नहीं बचेगा लाइफ में, उसी तरह ये मोहनजोदड़ो मेरे लिए बहुत
मायने रखते हैं लाइफ में. कोई भी बड़ा कोई भी क्रिएटिव आदमी लाइफ में एक या दो ही अच्छा काम कर पाता है, उनमें से एक मोहनजोदड़ो. अगर मुझसे छीन लिया जाए तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा. प्योर से कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे पास पैसे नहीं है कि बड़े बड़े लॉयर कर सकूँ, छोटे मोटे लॉयर से जो भी है हमारे पास हैं उनसे केस लड़ रहा हूँ, बस आप सपोर्ट कीजिए, बस दुआ कीजिए, और क्या बोल सकते हैं. चलिए, ऑन दैट नोट विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.